व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है जी काबली चना पुलाव की रेसिपी है। आज हम चना पुलाव बनाएंगे और उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक अदद हमने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, उसको काट लिया है, दो अदद दरमियाने साइज़ की प्याजें लेके कटिंग कर ली है, एक चम्मच हमें 1 टेबल स्पून चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें जी मसाले जाएंगे जिनमें कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है। इसमें हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे और साथ इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। तो इसमें हम चिकन नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम कनौर चिकन क्यूब डालेंगे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे चिकन यूज़ किया है हमने। और इसमें जी हमने ये थोड़ी सी इनफरादियत की है कि हमने ये चने बॉयल कर लिए थे, इनको जो था रात भर भिगो के रख के सुबह हमने इनको जो था उबाल के इनको गला लिया था, और उसके बाद हमने ये देखें अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद हमने इनको डिफरेंट फूड कलर्स लिए हैं, 3 ग्रीन लिया है, रेड और ऑरेंज। तो इन कलर्स में हमने जो है इनको घंटा पहले जो है उबले चने जो है वो भिगो के रख दिए हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा और बिल्कुल ये न्यू रेसिपी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पकाएंगे। और साथ ही हमने 1/2 किलो जो है बासमती राइस ले लिए हैं, इनको 15 से 20 मिनट पहले हमने भिगो के रख दिया है। तो ये हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़कर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो हमने कढ़ाही में जो है ऑयल ले लिया है, और अब इसमें जो है जाएगा कड़ी पत्ता, दालचीनी और साथ ही लौंग और काली मिर्चें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हमने जो है चावलों को ज़्यादा डार्क कलर में नहीं बनाना है, इसलिए हम प्याज भी जो है लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। जी तो प्याज देखिए हमने इतने ब्राउन करने हैं, डार्क में नहीं जाना है। तो प्याज भी भून गए हैं अच्छी तरह से, लहसुन अदरक भी भून गया, तो अब टमाटर डालते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और कनौर चिकन क्यूब जो है ये हम ऐड करेंगे। बस आपने नमक का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो कनौर चिकन क्यूब है इसमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा जो है अपने हिसाब से कम डालिएगा। और साथ ही हम इसमें मसाले डालते हैं। इसमें जाएगा जी सूखा धनिया पाउडर लिया है हमने, गरम मसाला पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है और नमक लिया है, ये हसबे जायका है। अब हम इनमें 1/2 कप पानी डालकर इसको ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएं और ये तमाम जो ग्रेवी है अच्छी तरह से पक जाए जी। तो ये इसको जो है अब हम ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जी। तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और सारा जो घी है वो ऊपर आ गया है। तो मसाला भूनने की यही पहचान होती है। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं जी। तो ये एक बड़ा ग्लास जो है ये हमने चावल लिए हैं जो भिगो के रखे हुए हैं, तो ये तकरीबन 1/2 घंटा पहले भिगो के रखे हैं, तो इसलिए हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। 1 ग्लास चावल है, तो चावल चूंकि भीगे हुए हैं पहले ही 1/2 घंटा, तो इसलिए हम इसमें 1.5 ग्लास जो है ये पानी का डाल देते हैं जी। तो ये देखें ये 1.5 ग्लास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें ऐड करते हैं। व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से चने जो हमने कलर्स में भिगो के रखे हुए थे फूड कलर्स में, तो ये देखें माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन कलर आया है। आप कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे पहले इनको ऐसे ही अलग-अलग भिगो के रख दें, देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से चने हो गए हैं। तो अब ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से कढ़ाही में जो है पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो ये जो चने हैं ये ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन साफ सुथरे चावल हैं, चावल अच्छी तरह से साफ करके धोएं। और ये देखें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम जो है राइस ऐड करते हैं जी। तो पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए हमने
चावलों को छोड़ दिया था, तो माशाल्लाह से चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होता है तो हम दम लगाते हैं जी। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से जो राइस है हमारे, माशाल्लाह उसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम दम लगा देते हैं इस पे, 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसको रखते हैं जी। तो व्यूअर्स हमने माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट जो है लो फ्लेम पे दम लगा दिया है। तो राइस माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो आपको जो है दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन जो है ये पक चुका है। तो डिश आउट करते हैं जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा काबली चना पुलाव माशाल्लाह बिल्कुल न्यू मैंने स्टाइल में आपको सिखाया है। आप इसी स्टाइल को बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत तारीफ मसूल करेंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से चावल कैसे बेहतरीन देखें, खिले खिले बने हैं, लंबे लंबे बने हैं माशाल्लाह से। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। व्यूअर्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह।